नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल लोन टेन्योर के बारे में। कई लोगों का ये सवाल होता है कि सर पर्सनल लोन कितने साल तक के लिए मिल सकता है, हम फ्लेक्सी पर्सनल टेन्योर ले सकते हैं क्या पर्सनल लोन में। तो मैं आज आपको बता दूं कि पर्सनल लोन मैक्सिमम 7 साल के लिए मिल सकता है। आज की डेट में इंडिया में कोई भी ऐसा बैंक NBFC नहीं है जो 7 साल से ज़्यादा का टेन्योर पर्सनल लोन में दे रहा हो। अब होता है क्या, पर्सनल लोन में फ्लेक्सिबल टेन्योर इसलिए कहा जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हो कि आप चाहते हो 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन 7 साल से ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कई लोगों की इनकम ज़्यादा होती है लेकिन जब उनको फंड की ज़रूरत पड़ती है और वो लोग सोचते हैं कि हम इसको जल्दी रीपेमेंट कर देंगे, तो वो शॉर्ट टेन्योर अपना सकते हैं जिसमें उनको पेनल्टी नहीं लगेगी। देखिए, अगर आप कोई इंस्टेंट लोन ऐप से लोन ले रहे हैं तो उसमें जनरली टेन्योर 12 महीने से 36 महीने का ही मिलता है। अगर आप बैंक या NBFC से ले रहे हैं तो आपको 7 साल तक का टेन्योर मिल सकता है। जैसे आदित्य बिरला NBFC में 7 साल का टेन्योर देते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक आपको 7 साल का टेन्योर तक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने दोस्त या रिलेटिव किसी एक भी लोन की फाइल हमें रेफ़र कर सकते हो, हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं लोन अमाउंट के ऊपर। अगर आपको ये जानना है कि आपको कितना लोन मिल सकता है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर मैंने आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं।